विश्व प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में बीती देर रात गर्भगृह में अचानक आग लग गई थी। हालांकि समय रहते आग पर स्थानीय लोगों द्वारा काबू पा लिया गया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी, जो कि मंदिर परिसर के ऊपरी हिस्से में था, उसने मंदिर के ऊपरी हिस्से से धुआं उठते हुए देखा। इस बात की सूचना उसने वहां पर तैनात होमगार्ड के जवानों को दी। साथ ही देर रात इस बारे में मंदिर के पुजारी और टेम्पल अधिकारी को सूचना भेजी। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। इस आग से चामुंडा देवी की कुछ धार्मिक पुस्तकें एवं वहां मौजूद कपड़े, चुनरी आदि क्षतिग्रस्त हुई है। क्योंकि आग बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए दमकल विभाग को सूचित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर होमगार्ड के जवानों सहित स्थानीय लोग मंदिर में मौजूद रहे। ऐसा है कि यहाँ पर मेरे को भी 23-24 साल सर्व करते हो गए, यहाँ पे ऐसा दुर्घटना कभी हुई नहीं। जैसे नित्य क्रिया के अनुसार हम कार्य करते हैं, वैसे करते रहे। उस दिन भी रात को 9:15 बजे हमने मंदिर जो बंद किया है, साज वगैरह लगा करके उसके खाना खाने का 10 बजे तो 10:15 मैं यहाँ से गया, तो मेरा कमरा उधर दूर है जा करके, तो वहाँ पर गया। यहाँ तो तब ठीक था, बाकी उससे पहले हमने जो चुनिया चनिया थी, सामान था, वो उठा करके वहाँ स्टोर में रखा दिया। पहले मेरे का ज़्यादा हो गया ऊपर, तो उसको जो सूट लगाने वाले थे सुबह वाले में वो रखे, बाकी सारा सामान हमने निकाल के स्टोर में रख लिया। आग कैसे लगी, क्या कारण है? आग का तो ऐसा नहीं, एक तो यहाँ तार है आगे पीछे, कैमरे की है कोई, इसी की है उसकी है, तो प्रोपलिया भी बनेगा तभी इसको चलेगा ना। फिर बीच में चूहे हैं, चूहे भी आ जाते हैं इसमें, तो अब ये पता नहीं, अब जब तक ऊपर ऊपर से आई हो तार, ऊपर से जली है शॉर्ट सर्किट का मानना। हाँ जी हाँ जी। इससे पहले आदि हिमानी चामुंडा में भी आग लगी थी कुछ समय पहले, क्या मानते हैं कहीं कोई माता की सेवा में तो कमी तो नहीं रह रही है? हो सकता है, चलो ये तो देवियां हैं, इनकी अर्चना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो जितनी हमारे से सूक्ष्म होती है वो कर देते हैं, जितनी पर्याप्त होता है। चलो हम तो कोशिश करते ही हैं भी माता का पूरा अच्छे से हो, सब कुछ हो, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब चीज़ करते रहते हैं। यहाँ तो कोई वैसे वैसे कमी छोड़ते नहीं हैं, हम सारे अनुष्ठान भी करेंगे, सब चीज़ हर हर पर्व में पूरा पूजा पाठ होता है। तो असल अब ज्योति जो हमारी वो बॉक्स में है, ज्योति रखते हैं ना, वो बॉक्स में है, वो एल्युमिनियम की बनी हुई है, उसमें चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, बीच में ज्योति होती है। नंगी हो तो तब तो चांसेज होता था। ज्योति जल रही थी सुबह जब, वो तो फिर बुझ गए ना, तो फिर वो शीशे टूट गए, कपड़ा कपड़ा जला होगा ना, वो कपड़ा जला गया, तो फिर उसमें फिर देखो ना, अभी वो तेल की शीशी ज्योति के साथ पड़ी थी, वो सेब की सेब, घी के डिब्बे साफ साफ, घी के डिब्बे से वो भी नहीं फटके, प्लास्टिक की बोतल जो तेल की वो भी सेफ थी, अलमारी पूरी हमारी सेफ थी। अगर आग नहीं देखी जाती तो क्या नुकसान हो सकता था बड़ा? आता फिर हो सकता था। अब दूसरा सहना भी, जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स वगैरह थे ना, तो रात को हम उतार देते हैं, तो अलमारी में रखे थे बहुत सारे सेफ हैं, कॉस्टली चीज़ वही है, बाकी कपड़ा जो है वो जला है हमारा, कपड़े में चुनी वगैरह ये दो सूट साथ थे वो जले है। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्क टीवी।